नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास और आप इस समय सुन रहे हैं सांख्यकारिका। हमने सांख्यकारिका में जो प्रत्यय सर्ग है उसके चार प्रमुख जो भेद होते हैं उनकी चर्चा की, उसके 50 जो भेद हो जाते हैं उनकी चर्चा की। अब 52वीं कारिका में एक विशिष्ट बात को समझाते हुए कहते हैं कि ना बिना भावै लिंगम ना बिना लिंगेन भाव निर्वृत्ति ही लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्माद् द्विविधा प्रवर्तते सर्गा। भई हम देखते हैं कि सांख्य में दो प्रकार की सृष्टि की चर्चा हुई है। एक को आप लिंग सृष्टि कह सकते हैं और एक को आप भाव सृष्टि कह सकते हैं। जो लिंग सृष्टि है ये सूक्ष्म सृष्टि है और जो भाव सृष्टि है वो स्थूल सृष्टि है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि इन दोनों प्रकार की सृष्टि की क्या आवश्यकता है, तो उसको समझाते हैं कि बिना लिंग के भाव और बिना भाव के लिंग, यानी सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर जो है वो काम नहीं कर सकता है, और सूक्ष्म शरीर हो भी अगर उसको स्थूल शरीर की प्राप्ति ना हो तो वो भी काम नहीं कर सकता है। मोटी मोटी बात आप इस तरीके से समझ लीजिए। तो धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये जो हमारे यहां 8 भाव माने गए सांख्य में, इन अष्टविध भावों से जो भाव सृष्टि उत्पन्न होती है, आप याद कीजिएगा कहा गया था कि जिस प्रकार की भावना होगी उस प्रकार के शरीर की प्राप्ति होगी। सांख्य में अगर पिछला भूल गए हैं तो आपको यह सब समझना कठिन होगा, अगर वो याद है तो यह बड़ी सरलता से आप समझ सकते हैं। तो भाव सृष्टि क्या है कि धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, इन सब भावनाओं के आधार पर जिस शरीर की संरचना होती है, जिस शरीर की प्राप्ति होती है वो स्थूल शरीर, वो भाव सृष्टि है। और जो लिंग शरीर है, जिस सूक्ष्म शरीर की चर्चा हमने पहले की, उस सूक्ष्म शरीर के बिना ये भाव शरीर नहीं चल सकता है। क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर की चर्चा हुई थी तो हमने कहा था कि जैसे वेदांत में आत्मा है वैसे ही यहां पर सूक्ष्म शरीर हमें दिखता है। तो सूक्ष्म शरीर गति करता है, जाता है और वो स्थूल शरीर को प्राप्त करता है। अब स्थूल शरीर को जब वो प्राप्त करता है तभी सृष्टि की प्रक्रिया आगे चलती है। अगर सूक्ष्म शरीर को यानी लिंग शरीर को भाव शरीर यानी कि भाव सृष्टि अर्थात जो स्थूल शरीर है उसकी प्राप्ति ना हो तो भैया सूक्ष्म शरीर अकेली आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से स्थूल शरीर है लेकिन सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति उसको ना हो, भाव सृष्टि तो है लेकिन अगर उसको लिंग सृष्टि की प्राप्ति ना हो तो भैया वो आपका स्थूल शरीर भी काम नहीं कर सकता है। इसलिए यहां स्पष्ट ये बात कही कि द्विविधा प्रवर्तते सर्गा, ये सृष्टि जो है ये स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि दोनों सृष्टियों का स्वीकार करना परम आवश्यक है। देखिए 50 और 51 कारिका तक तो हमने विस्तार से सब कुछ समझाया है लेकिन अब हम सांख्य कारिका को संक्षिप्त कर रहे हैं और 2-3 वीडियो में इसको पूर्ण कर देना है। अब उतने विस्तार के साथ हम नहीं चलेंगे। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप अगर उसके लिए कमेंट करेंगे तो उस चीज़ को विस्तार से समझाने की कोशिश की जाएगी। बाकी अब सांख्य कारिका को पूर्ण करना। अब जो भाव सृष्टि है, जो स्थूल सृष्टि है, जिसको आप भौतिक सृष्टि भी कह सकते हैं, उसको समझाते हुए कहते हैं 53वीं कारिका में अष्ट विकल्पौ देवैस्तैर्यगयोनश्च पंचधा भवति मानुष्यश्चैक विधा समासतो भौतिकः सर्गः। भाई ये जो भौतिक सृष्टि है आपकी, इसके 8 देवी सृष्टि, 5 जो हैं वो तिर्यग योनि
और एक मनुष्य, इस प्रकार से कुल 14 प्रकार है। अष्ट विकल्पो देवै, जो देव सृष्टि है उसके 8 प्रकार हैं। तिर्येक योनस्य पंचधा भवति, और तिर्येक योनि जो है उसके 5 प्रकार हैं। तो 8 और 5 13 हो गए। मानुष्यश्चैक विधा, और मनुष्य सृष्टि एक प्रकार की है। समास तो भौतिकः सर्गः, इस प्रकार से जो भौतिक सृष्टि है उसके ये 14 प्रकार हुए। चलिए जो दैव सृष्टि के 8 प्रकार हैं उनको जान लें। तो ब्राह्म, प्रजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच, ये जो हैं ये 8 प्रकार की देव सृष्टियां मानी गई हैं। हमारे यहाँ जो लोकों की चर्चा होती है उन लोकों का भी वर्णन इसी प्रकार से माना गया है। और तैर्यक योनश्च, जो तिर्यक योनि हैं वो 5 प्रकार की मानी गई हैं। पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप और वृक्ष, ये 5 प्रकार की। तो 8 और 5 13 हो गए, और 14 में तो ये काले सिर वाला मनुष्य है ही है, इसकी एक प्रकार की सृष्टि। ऐसे ही भौतिक सृष्टि के कुल 14 प्रकार माने गए। जरा थोड़ा इनको समझने के लिए, जो ब्राह्म सृष्टि है वो ब्रह्मलोक में निवास करती है। ब्रह्मलोक के 3 भाग माने गए हैं, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक। अगर आप इस चर्चा को आगे समझना चाहते हैं, चलिए संक्षेप में इसको समझा ही देते हैं। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो तो भैया ब्रह्मलोक में रहते हैं। और इसके बाद जो कुछ इस प्रकार के अभास्वर, महाभास्वर, सत्यभास्वर, इस प्रकार की संज्ञाएं देवताओं को मिली हुई हैं, जो ब्रह्म के बहुत सन्निकृष्ट माने गए हैं। देखिए आप इसको इस तरीके से समझें कि इस मनुष्य शरीर के बाद आप या तो अधोगति को प्राप्त करेंगे, तो जो तिर्यक योनियां हैं उनमें जाना होगा, या आप ऊर्ध्वगति को प्राप्त करेंगे तो आपको देव योनियों में जाना है। अब अगर आपने इतना श्रेष्ठ सब कुछ प्राप्त कर लिया कि आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अगर आप इस स्थिति को पहुंच जाते हैं, तो आपने ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर ली है। और ब्रह्मलोक का जो सर्वश्रेष्ठ लोक माना गया है, सत्यलोक, आप वहां पहुंच गए और आप ब्रह्म स्वरूप हो गए। लेकिन ऐसा भी संभव है कि अभी हम उस स्थिति तक ना पहुंचे हो, तो ऐसे में उससे नीचे का जो लोक है वो हमारे लिए है, जिसको अभास्वर, महाभास्वर, सूक्ष्म महाभास्वर संज्ञक देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यानी देवताओं में भी अलग अलग प्रकार हैं, देव योनि में भी अलग अलग प्रकार हैं। अगर हम इतने सिद्ध हो गए हैं कि हमने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, सत्यलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम इस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, तो उससे नीचे एक लोक है जिसको तपलोक कहते हैं। उसके नीचे जो जितेंद्रिय होते हैं, ब्रह्म पुरोहित होते हैं, ब्रह्म कायिक माने गए हैं, ब्रह्म महाकायिक माने गए हैं, इस प्रकार के अमर लोक, यानी जिनको ज्ञान तो हो गया है, जो जितेंद्रिय तो हैं लेकिन जानते सब कुछ है, लेकिन अभी ब्रह्म के साक्षात्कार तक नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जन लोक माना गया है। भैया इससे भी नीचे जो लोक है महालोक है, और इसको प्रजापति लोक भी कहा गया है। कुमुद, ऋषभ, प्रतर्दन, अजनाभ, अमिताभ संज्ञक, जिनकी 1000 कल्प आयु होती है, ऐसे देवता लोग यहां निवास करते हैं। इसके नीचे इंद्रलोक आता है, जहां अणिमा, महिमा, लघिमा, ये जो अष्ट प्रकार की सिद्धियां हैं, इनसे सिद्ध ऐश्वर्य संपन्न और अपनी इच्छा के अनुसार जिनको आहार विहार वगैरह बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे काम लंपट देवता निवास करते हैं। आप देखिए कैटेगरी बनती चली जा रही है, मैं इसको आपको समझाऊंगा इसके बाद में, फिर से पहले एक बार सुन लीजिए। तो ऐसे काम लंपट देवता वहां रहते हैं, इस प्रकार
इसके बाद आता है पितृलोक, जहां पितृलोक रहते हैं। इसके बाद आता है मेरु पर्वत के पृष्ठ भाग में, कहते हैं जिसको हम गंधर्व लोक कहते हैं, गंधमादन पर्वत का जो भाग है वहां पे कुबेर, तो एक गंधर्व लोक है और एक यक्ष लोक है जहां कुबेर अपने भाई और अपने संबंधियों के साथ विराजमान रहते हैं। गंधमादन पर्वत, ये हमारे साहित्य में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। इसके बाद अगर आप वितल लोक को छोड़ दें तो इसके अलावा हमारे यहां क्या कहते हैं कि अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और पाताल, ये नीचे के लोक हैं। तो इन लोकों में से वितल लोक में जो है वो पैशाची सृष्टि है और बाकी के सारे लोक जो हैं वो राक्षस सृष्टि के लिए सुरक्षित हैं। अब जरा इसको हम अपने हिसाब से, जो मेरी एक पद्धति है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सिर्फ सुनने से बात जो है वो गले नहीं उतरती। कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुष्य में से राक्षसी सृष्टि वाले काम करते हैं, तो कुछ स्थान उनके लिए भी सुरक्षित है कि उनको इस प्रकार के लोकों में रहना अच्छा लगता है, इस प्रकार की जगहों पर रहना अच्छा लगता है। तो आप देखते हैं कि जितने काले कारोबार करने वाले हैं, जितने गलत काम काज करने वाले हैं, वो अंडरग्राउंड रहना पसंद करते हैं। वो जिसको सीधी भाषा में कहते हैं ना कि पुलिस ने नोटिस उनके खिलाफ निकाली और वो जैसे कि पृथ्वी उनको खा गई हो, इस प्रकार से वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ऐसे राक्षस प्रकृति के जो लोग हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ जगह है। कुछ लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जो बड़े सिद्ध संपन्न हो गए हैं, जिनके पास सब कुछ है और समृद्धिवान हैं, तो ऐसे देवता तुल्य हो जाते हैं। देवता तो नहीं होते हैं वो, लेकिन उनको देवता की संज्ञा दी गई है, उनके ऊपर कुछ नियम भी नहीं कम होते हैं, कुछ कायदे भी उनके बारे में शिथिल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इस प्रकार के लोग भी पाए जाते हैं, लेकिन जिनको आप ब्रह्म कि मार्ग का अनुयायी मानते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो तपस्वी हैं, जो सिद्ध हैं, ये इन सबसे ऊपर हैं। और ब्रह्मविद ब्रह्मी भवति, वो तो सबसे ऊपर की चीज है। तो इस चीज को आप समझिए कि अगर आपने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है तो आप ये जो देवता वाला लोक है, इंद्रलोक जिसको कहते हैं, उससे भी ऊपर की स्थिति में तो आप पहुंच चुके हैं। यहां तक पहुंचने के मार्ग सरल हैं, आप पुण्य कीजिए और देवत्व प्राप्त कर लीजिए। लेकिन पुण्य करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म को अगर प्राप्त करना है तो आपको ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान उसमें खो जाना पड़ेगा, आपको इस संसार से दूर होना पड़ेगा, तब आप सत्यलोक या उससे नीचे तपलोक या जनलोक तक जा सकते। तो इस प्रकार से ये 14 सृष्टि के जो प्रकार हैं उसकी चर्चा की। ऊर्ध्वम सत्व विशाल तमो विशालस्य मूलतः सर्गः मध्य रजो विशाला ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः। अब ये जो 14 प्रकार की सृष्टि है, जरा संक्षेप में उसको, उसकी गति को समझ लें कि जो सत्व गुण प्रधान हैं उनको ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति होती है। हमारे यहां ऊर्ध्व लोक जो हैं, भूलोक जहां हम लोग रहते हैं इसको कहा गया है, और भुवः स्वः मह जन तप और सत्य, ऐसे 7 लोक हमारे भूलोक के साथ में ऊपर के माने गए हैं। इसके बाद भुवः स्वः मह जन तप और सत्य, ये 6 लोक ऊपर माने गए हैं। नीचे की बात करें तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, ये 6 नीचे माने गए हैं। ऐसे 6 ऊपर 6 नीचे 12 हो गए, और अपने से गिनोगे तो अपने साथ 7 ऊपर भी हो जाएंगे और अपने साथ नीचे जाओगे तो 7 नीचे हो जाएंगे। ऐसे 14 भुवन एक पति हुई, उस पर ब्रह्म परमात्मा की बात की जाती है। तो यहां ये कह रहे हैं कि जो ऊर्ध्व लोक हैं उनकी प्राप्ति सत्वगुण से हो,
तो जो दैवी सृष्टि सतोगुण प्रधान है उनको भुवा स्व मह जना तपा सत्य इन लोगों की प्राप्ति होती है। लेकिन जो तमोगुण प्रधान है राक्षसी वृत्ति वाले हैं उनको अधा लोगों की प्राप्ति होती है, जिसको हमने अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल के रूप में वर्णित किया। मध्य और जो भूलोक है जिसको हम मध्य लोक भी कहते हैं रजो विशालो, यहां रजोगुण प्रधान सृष्टि होती है। यानी हम कभी सतोगुण प्रधान होते हैं तो हमारी ऊर्ध्वगति होती है, हम तमोगुण प्रधान होते हैं तो हमारी अधोगति होती है। अब जो सतोगुण प्रधान ऊर्ध्व सृष्टि है उसको हमेशा सुख से परिपूर्ण माना गया है, और तमोगुण प्रधान जो सृष्टि है वो हमेशा दुखमयी सृष्टि ही है। यानी आप कितना भी मान लें कि कोई बड़ा खूंखार डाकू है या कोई गलत काम करने वाला है, उसके पास कितनी भी समृद्धि कितनी भी पैसा वगैरह बना रहे, लेकिन वो कभी सुखी नहीं रह सकता, उसको हमेशा टेंशन बना रहेगा। तो गलत काम जो राक्षसी वृत्ति करने वाले हैं उनके लिए अधा लोक हैं, और वो तामसी वृत्ति प्रधान होते हैं और वो हमेशा दुख से भरे हुए हैं। जो मध्य लोक है, जो भूलोक है जिसमें मनुष्य लोग निवास करते हैं, ये सृष्टि इस प्रकार के जो रजोगुण प्रधान है, और रजोगुण प्रधान होने से आप ये कह सकते हैं यहाँ सुख भी है दुख भी है, यहाँ कहीं मोह है तो उसके साथ दुख भी है तो कहीं आनंद भी है। तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतना पुरुषः लिंगस्या विनिवृत्तेर तस्माद दुखम स्वभावे। अब ये जितनी सृष्टि है ये जरा मरण कृतम दुखम, ये वृद्ध होगी मृत्यु प्राप्त करेगी फिर जन्म लेगी, ये सारी प्रक्रिया लगी रहनी है। तो लिंगस्य विनिवृत्ते है तस्मात दुखम स्वभावे। अब चूंकि लिंग शरीर से स्थूल शरीर अलग हो ही नहीं सकता है, जितने लिंग शरीर उतने स्थूल शरीर हैं, प्रत्येक स्थूल शरीर को लिंग शरीर की प्राप्ति हो जाती है, अगर स्थूल शरीर को लिंग शरीर की प्राप्ति नहीं हो तो स्थूल शरीर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, पहले ही कहा कि वो सृष्टि ही नहीं हो पाएगी, अगर वो सृष्टि नहीं हो पाएगी तो या तो वो मोक्ष की गति करे। तो जब तक इन दोनों का सामंजस्य बना रहता है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करता रहता है, तब तक ये जो जन्म युवावस्था वृद्धावस्था और फिर मृत्यु, ये प्रक्रिया तब तक भैया चलती रहती है, और चेतन पुरुष जो है वो इस सब को भोगता रहता है, इस चक्र में वो घूमता रहता है। अब ये प्रकृति की जवाबदारी है कि उसको मोक्ष इसमें से दिलवाए, इसमें से बाहर निकाले। तो ये सारी चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे कि किस प्रकार से प्रकृति पुरुष के मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होती है और क्यों इस पूरी सृष्टि प्रक्रिया को वो आगे बढ़ाती है। यहां करके 55 कारिकाएं पूरी होती हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आप सुन रहे हैं सांख्य कारिका। अगर कोई विषय ऐसा हो जो आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, समय मिलने पे अवश्य ही आप तक उसके जवाब पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जल्दी ही आप इस चैनल पे कुछ और नए विषयों को देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।